Assalamualaikum gentlemen, welcome to my YouTube channel. Gentlemen, मैं आज आप लोगों को ISSB के initial test के बारे में बताऊंगा. ISSB से पहले जो initial test होता है, उसमें मुख्तलिफ test होते हैं. Registration form fill करने के बाद आपको एक date दी जाती है, जिसके मुताबिक आपको अपने respective center में जाके report करना पड़ता है. उस date को जाने के बाद आपको वहाँ पर अपने मुख्तलिफ test देने होते हैं, जिनमें computerized test होता है, medical test होता है और physical. ये मुख्तलिफ dates को होती हैं. पहले कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, अगर कंप्यूटराइज टेस्ट क्लियर हो जाए तो उसी दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपको कुछ दिन दे दिए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए. सो कंप्यूटराइज टेस्ट में बिफोर कंप्यूटराइज टेस्ट ऑफ इनिशियल फर्स्ट योर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप मैट्रिक एंड इंटर ओरिजिनल मार्कशीट और सनद विल बी चेक्ड. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने साथ लेके जानी पड़ेंगी, वहाँ चेक करानी पड़ेंगी और ये ओरिजिनल चाहिए. आफ्टर डॉक्यूमेंट क्लियरेंस विल बी ब्रॉट टू कंप्यूटराइज टेस्ट. जैसे ही आपके ये डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा सा वेट कराया जाएगा और उसके बाद आपको कंप्यूटराइज टेस्ट में लेके जाया जाएगा. वहाँ पर फिर आप लोगों को मुख्तलिफ जो कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं, जो कि तीन किस्म के होते हैं, उसके बारे में पहले गाइड किया जाएगा. देन फर्स्ट नंबर पे आपके कंप्यूटराइज टेस्ट में वर्बल टेस्ट होगा, जिसकी डायरेक्शन ये है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, राइट. इसमें एक सीरीज ही होगी, फॉर एग्जाम्पल चार की एक सीरीज ही होगी, उसमें एक मिसिंग होगी. आपको उसमें एग्जैक्ट जो करेक्ट अल्टरनेटिव, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है नंबर वन पे 1 9 25 49 और देन क्वेश्चन मार्क एंड 121. सो ये आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि 1 के बाद 9 कैसे है, 9 के बाद 25 49. तो ये के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी. डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप नेट पर वहाँ से भी कर सकते हैं. सो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल ये समझाने के लिए, ये वर्बल टेस्ट में होंगे, इसके और भी ये एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, आप लोग ये पढ़ के देख सकते हैं. वर्बल टेस्ट होने के बाद आप लोगों का नॉन वर्बल टेस्ट होगा, जिसमें फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं. उनमें एनालॉजीज वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, सीरीज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, क्लासिफिकेशन बटलर कैरी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये चार किस्म के होते हैं. एग्जाम्पल क्वेश्चन की ये हैं, आप पहली डायग्राम में देख सकते हैं कि फोर बॉक्सेज बने हुए हैं, राइट. फर्स्ट रो पे तीन बॉक्सेज हैं, जिसके अंदर फोर सब बॉक्सेज हैं. पहली बॉक्स में एक ब्लैक कलर का फिल हुआ हुआ है राइट साइड में अप कॉर्नर, और इसी तरह सेकंड में राइट साइड पे हुआ है अप कॉर्नर, और थर्ड में राइट साइड पे डाउन. तो इसी तरह सेम सीरीज़ में जाके आपको उसके मुताबिक ये बहुत इजी होती हैं, आराम सुकून से क्लियर हो जाते हैं. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इनिशियल में कंप्यूटराइज, वो होता है एकेडमिक. ये थोड़ा डिफरेंट और मुश्किल भी होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो से हैं इसको लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से इसमें फेल हो जाते हैं. तो इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है. उसके लिए एकेडमिक टेस्ट देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज विच इंक्लूड्स अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, रिवर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्टेंस अदर्स. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की जितनी चीज़ें हैं, जितनी जनरल नॉलेज है, आपसे कुछ भी वहाँ पूछा जा सकता है. अबाउट वर्ल्ड हाइएस्ट थिंग, लॉन्गेस्ट थिंग्स अदर्स, सेम एज अबाउट इस्लाम. इसी तरह इस्लाम के बारे में भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से समय के लोगों के बारे में, एज कितनी थी, इस तरह डिफरेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मुश्किल नहीं होते, लेकिन जनरल नॉलेज के होते हैं. तो जो कैंडिडेट्स क्लियर करना चाहते हैं, वो फर्स्ट एकेडमिक टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें, इंशाल्लाह.